हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और अब हम लोग मैग्नेटिज्म में एम्पेयर्स लॉ से आगे बढ़ते हुए कुछ उसके एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो वायर्स पढ़े थे, लाइक एक हम लोगों ने नॉर्मल वायर पढ़ा था, इन्फिनिट का वायर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। उसी में दो वैरायटी आ गई थी, हॉलो और सॉलिड। हॉलो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखा था किस तरह से आ रहा था, वो किस तरह से वैरी कर रहा था। हमारा पहले जब जीरो से आर तक गए थे तो हमारा जीरो रहा था, उसके बाद वो 1/r के प्रोपोर्शन में चला था, ठीक है। उसके अलावा जब लोगों ने सॉलिड वायर पढ़ा था तो उसमें क्या था कि जैसे जैसे हम जीरो से आर की तरफ टेंड करते हैं वैसे वैसे वो लीनियरली इंक्रीज करता है, और उसके बाद में जब हम आर इज इक्वल टू कैपिटल आर में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो 1/r के साथ में घटने लगता है, ठीक है। तो फॉर्मूले कुछ इस तरह के आए थे कि हमारा जो हॉलो वायर था, कौन सा हॉलो वायर था, उसके लिए जो बी इन था, या बी आर इज लेस देन आर के लिए बात कर सकते हैं, तो उसके लिए जो बी आ रहा था हमारा जीरो आ रहा था, और आर इज ग्रेटर देन आर के लिए बी हमारा म्यू नॉट आई बाई 2πr आ रहा था, है ना, सॉरी 2πr स्मॉल r, ठीक है। ये हमारा हॉलो के लिए था, और सॉलिड के लिए क्या आया था, सॉलिड के लिए r इज लेस देन r के लिए जो b था वो था हमारा म्यू नॉट j r बाई 2, है ना, ये क्योंकि r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अंदर साइड में, और आउटसाइड के लिए था r इज ग्रेटर देन r के लिए था म्यू नॉट I by 2πr, याद है, इस तरह से हम लोगों ने किया था। इनके कुछ एप्लीकेशन, फिर हम लोगों ने सोलेनोइड देखा था, फिर हम लोगों ने टॉराइड देखा था, ठीक है। तो इन कुछ फॉर्मूलों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कैविटी प्रॉब्लम्स इनको बोलते हैं। कैविटी प्रॉब्लम्स किस तरह से हम लोग डील करते हैं उससे आज हम लोग बात करने वाले हैं, कि मतलब हमें एक ऐसे समझ लो कि एक नॉर्मल वायर दिया हुआ है, कैविटी प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है, एक नॉर्मल वायर दिया गया, सॉलिड वायर है ऐसे, अभी फॉर अजम्पशन मान लो एक मोटा सा वायर है, ठीक है, इस तरह का एक मोटा सा वायर है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू मतलब एक सिलेंडर की तरह है, मतलब इस तरह से वायर था, ठीक है, और इसका इधर से आप खड़े होकर के, इधर से खड़े होकर के आप देख रहे हो, तो इसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा आपको नॉर्मल, इसमें पूरी अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल करंट बहेंगे तो सॉलिड वायर के लिए हमारा, इसमें सॉलिड वायर मसाला है अंदर, ठीक है ना, मसाला भरा हुआ अंदर पूरा, मतलब मसाला से मतलब पूरा सॉलिड है, ठीक है। और ये जो इसके हैं फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है, सॉलिड के लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने क्या किया कि इसमें कैविटी काटी, कैविटी किस तरह से काटी, मान लो इस तरह से, मतलब इतनी जगह काट दी जहां पे अब मटेरियल नहीं है, जहां पे मटेरियल नहीं है, यहां पे अब कुछ नहीं बचा, यहां पे गड्ढा हो गया, एक तरह से सुरंग बन गई, समझ गए ना, सुरंग, सुरंग जानते हो ना, वही, हाँ वही सर्जिकल स्ट्राइक में जो, छोड़ो, ठीक है, इस तरह का। तो इसमें किस तरह से दिखेगा, यहाँ पे मैं सिर्फ एक, यहाँ पे मैं सिर्फ एक इस तरह का गोला दिखेगा, समझ आ रहा है, यहाँ पे मसाला नहीं होगा, आप इससे दूरबीन की तरह आर पार देख पाओगे, क्या मेरी बातें क्लियर है। अच्छा, सवाल क्या बोला गया कि इसमें करंट फ्लो कर रही थी, करंट मान लो यहाँ से इधर की तरफ फ्लो कर रही थी इस तरह से करंट, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे दिखाई देगा कि यहाँ से अंदर की तरफ मान लो जा रही है, ठीक है, तो अंदर की तरफ हम किस तरह से साइन दिखाते हैं, इस तरह से, ठीक है, इसमें तो करंट होगी नहीं तो खाली जगह, ठीक है। मान लो करंट डेंसिटी आपको दे दी गई जे है, ठीक, और इसकी जो रेडियस दे दी गई, मान लो दे दी गई आपको 5r मान लो, या 4r मान लो, ठीक है, ठीक है, या इसको 6r कर लो, ठीक है। और ये जो कैविटी काटी गई है इसकी रेडियस आपको दी गई है r, क्या मेरी बातें क्लियर है। और ये जो दोनों सेंटर्स हैं, ये दोनों सेंटर्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है 2r, एक सेकेंड, हाँ मान लो 2r है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2r। क्या सिनेरियो बना कि इस तरह का हमारे पास दिया गया सिस्टम जिसमें बड़ी रेडियस जो है वो 6r है, जो कैविटी की रेडियस है स्मॉल r है, जो दोनों हमारे पास सिलेंडर्स बन रहे हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 2r। आपसे बोला गया कि बताओ इसके आउटसाइड, इसके आउटसाइड मान लो यहाँ कहीं, इसके आउटसाइड कुछ 10r दूरी पर, कुछ 10r दूरी पर हमसे बोला गया कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है कि नॉर्मल अगर वायर होता तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते थे, लेकिन अब चूंकि इसमें कैविटी कटी हुई है तो निकालना थोड़ा सा एक अलग, इसका जो हमारा जो क्रियाविधि होती है वो चेंज हो जाती है हल्की सी। किस तरह से करते हैं, देखो ध्यान से, पहले हम करते क्या है, इसको करने का एक जो बेसिक तरीका है वो क्या है कि हम मान लेते हैं कि वायर कटा हुआ नहीं है, मतलब अंदर जो कैविटी है वो नहीं है, तो कैविटी अगर नहीं है तो हमारे पास पूरा एक सॉलिड वायर है, उस पूरे सॉलिड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और उस सॉलिड वायर में जो मतलब
करंट जा रही है वो इस तरफ को जा रही है, और हम मानेंगे कि हमारे पास एक इस तरह का वायर है जिसमें करंट इस तरफ को आ रही है, इस मोटाई का इस जगह पर रखा हुआ है। तो ध्यान से सोचो कि अगर हम पूरे सॉलिड वायर की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और जिसमें करंट इस तरफ जा रही है, और इस कैविटी की मोटाई का एक हम तार लेते हैं और उसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में बहाते हैं, तो ध्यान से सोचो उस पूरे सॉलिड वायर में अगर हम इसको जो ये मोटा वाला हमने ये रखा है, जो दूसरा हमने वायर रखा है, तो उसमें करंट इस तरफ को आ रही है और कैविटी में इस तरफ को जा रही है, तो उतनी जगह में तो हम मान सकते हैं ना कि करंट पूरी कैंसल आउट हो गई, क्योंकि उतनी जगह में इधर आ रही थी और इधर भी जा रही थी, कैंसल आउट हो गए। या आप दूसरा इस तरह समझ सकते हैं कि पूरी हमने कैविटी मानी, पूरी कैविटी मानी, सॉरी पूरी कैविटी, पूरा एक वायर माना जिसमें करंट डेंसिटी प्लस जे है, जिसमें करंट डेंसिटी प्लस जे है, ठीक है, और हमने एक कैविटी के आकार का वायर माना जिसमें करंट डेंसिटी माइनस जे है। तो जाहिर सी बात है जब आप इसको यहाँ पर सुपर इम्पोज कराओगे तो इतनी जगह में जो हमारे पास करंट डेंसिटी बचेगी दैट विल बी जीरो। ये सिंपल बेसिक्स तरीके होते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास इस तरह से था। अब यहाँ पे आपने चूंकि यहाँ पे माइनस मान लिया तब भी तो करंट के डायरेक्शन को आप सेम ही मानेंगे, अगर आपने करंट यहाँ पे माइनस मत माना होता तो यहाँ पे आप करंट के डायरेक्शन को अपोजिट कर देते, ठीक है, जो कि मैंने पहला तरीका बताया। ठीक, यहाँ से इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास 6R, यहाँ से कितनी दूरी पर 10R दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देखो ध्यान से, बाहर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, म्यू नॉट आई, आई कितना होता है, आई का भी आई रख लो, उसको चेंज कर सकते हैं अपन, अपॉन टू पाई आर। आर की वैल्यू कितनी यहाँ से आता है 10R, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, चूंकि हमें पता है करंट डेंसिटी जे है तो आई इज इक्वल टू जे इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है 6, तो 6R का स्क्वायर क्या जाएगा यहाँ से, बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई, सॉरी म्यू नॉट जे इंटू पाई इंटू 6R का स्क्वायर अपॉन 2π इंटू 10R का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये आ गई B1 की वैल्यू एक तरह से, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसकी वजह से जब निकालेंगे, अच्छा यहाँ से दूरी देखो कितनी है, ये 6R थी, इसके सॉरी 10R थी, हाँ इसके सेंटर से 10R थी और इनके बीच की दूरी 2R है, तो यहाँ से दूरी कितनी हो गई 12R, यहाँ से दूरी कितनी हो गई 12R। तो ये 12R दूरी पर हमको निकालना है, 12R दूरी पर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखो, B2 इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे इंटू पाई आर स्क्वायर, में आर चेंज हो जाएगा, पाई आर की जगह यहाँ पे कितना, इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन अपॉन टू पाई आर, तो टू पाई इंटू आर, आर अब चेंज हो गया, आर कितना हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक 12R, कितना हो गया 12R, बात समझ आ रही ना, यहाँ 10R कैसे, यहाँ पर 12R कैसे। अब करना क्या है, बी नेट आपसे पूछ दिया जाए, बी नेट आपसे पूछ दिया जाए क्या जाएगा, B1 प्लस B2, इन दोनों को जोड़ के आप सॉल्व करके लिख दो, खेला खत्म, कोई दिक्कत, क्या बात समझ आई है, कोई कन्फ्यूजन। हमने क्या क्या किया, फिर से देखो, हमने एक प्लस जे का मान लिया, एक माइनस जे का मान लिया, एक प्लस जे एक माइनस जे, प्लस जे की वजह से निकाल दिया, माइनस जे की वजह से निकाल दिया, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया। अब सॉल्व करते रहना इसको, ठीक है, अब क्या ही है, खेलते रहो, क्या बातें क्लियर है, ठीक है, उतारो। तो आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या देखा कि एक हमारे पास वायर दिया गया, उसके अंदर हमने कैविटी काटी, बाहर हमसे बोल दिया गया कि इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होता है, हमने कैलकुलेट करके निकाल दिया, हमने टोटल वायर की वजह से निकाला, कैविटी वाला जो उसको माइनस जे माना उसकी वजह से निकाला, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गया। अच्छा भाई, अब मान लो हमसे बोल दिया गया कि सेम वही सेम कंडीशन है, ठीक है, मान लो सेम कंडीशन आपको दे दी गई और ये आपका वायर था जिसमें हमने कैविटी काटी, सेम डायमेंशंस मान लो, ठीक है, ये आपका 10R, ठीक है, ये आपका R, और इन सॉरी 10 नहीं कितना था यहाँ पे 6R था ना, 6R, और इनके बीच की दूरी कितनी थी 2R, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा ओके, फिर से वही करंट डेंसिटी जी, ठीक है, और आपसे बोला गया कि अब बताओ इसके अंदर वायर के अंदर यहाँ से 4R डिस्टेंस पर, यहाँ से सेंटर से 4R डिस्टेंस पर दूसरी तरफ 4R डिस्टेंस, मतलब कैविटी के जस्ट अपोजिट साइड 4R डिस्टेंस पे आपसे बोला गया कि बताओ इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी।
इस फोर आर डिस्टेंस पे पूछा गया। सवाल क्लियर है? मतलब अभी हमने बाहर कैलकुलेट किया था, अब हमसे बोला जा रहा है इस बड़े वाले वायर के अंदर हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा फोर आर डिस्टेंस पर। अब करने का तरीका क्या है हमारे पास? भाई सॉलिड के लिए केस था, हमें हॉलो के लिए जनरली काम नहीं पड़ता, हमें किसके लिए काम पड़ता है? सॉलिड के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक अंदर के लिए एक बाहर के लिए। अब फॉर्मूला आपको याद रखना, यहाँ पर मैंने लिख दिया वो बात अलग की, बट आपको तो माइंड में याद रखना म्यूनॉट जे बाई म्यूनॉट जे आर बाई टू, यहाँ पे म्यूनॉट आई बाई टू पाई आर। ठीक है, लेकिन करना क्या है एक्चुअली कि फिर से भाई प्लस आर सॉरी प्लस प्लस जे माइनस जे। ठीक है, ये बड़ा सा वायर माना हमने, ठीक है पूरा सॉलिड है इस तरह से, पूरे में करंट फ्लो कर रही है, और यहाँ से सेंटर से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर? फोर आर डिस्टेंस पर। फोर आर डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, और इसके लिए खुद की रेडियस कितनी है, खुद की रेडियस कितनी है? सिक्स आर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी वन की वैल्यू आप निकालोगे कितनी आएगी? अंदर के लिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट जे आर बाई टू, म्यू नॉट जे म्यू नॉट जे आर। आर की वैल्यू क्या है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है? फोर आर बाई टू, म्यू नॉट जे आर बाई टू आ गया यहाँ से। अब कैविटी की वजह से निकालना है, तो कैविटी के लिए ध्यान से देखो, कैविटी के लिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हो गया टू आर, ये हो गया फोर आर, यानी सिक्स आर डिस्टेंस पर। कैविटी के लिए यहाँ से सिक्स आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बी टू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और कैविटी के लिए जो हमारे पास करंट डेंसिटी थी दैट इज माइनस जी, हमने माइनस जी कर दिया। ठीक है, दोनों को सुपर इम्पोज कर देंगे काम हो जाएगा, तो बी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ध्यान से देखिए, कैविटी के लिए तो बाहर है, कैविटी के लिए तो ये बाहर है, तो हमें करना क्या, तो हमें करना क्या, बी टू की वैल्यू क्या, कि बाहर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। तो म्यू नॉट आई, आई की जगह क्या लिख सकते हैं? जे इंटू एरिया, जे इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट जे बाई टू पाई आर, टू पाई आर। आर कितना है यहाँ पे? सिक्स आर, और हमारा एक माइनस साइन। क्या पिछले वाले में मैंने माइनस साइन मिस किया था क्या? अगर पिछले वाले में माइनस साइन मिस किया था तो उसको आप करेक्ट कर लो, यहाँ पे माइनस साइन जरूर होगा। ठीक है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो बीच में माइनस साइन आएगा, प्लस नहीं। मतलब हालांकि दिखाते हैं हम लोग क्या है, बी इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू, लेकिन बी टू चूंकि हमारा माइनस का है तो वहाँ पर माइनस साइन आएगा। ध्यान से जाकर उसको चेक करो और देखो क्या मैंने वहाँ पर माइनस साइन मिस किया था क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पर मैंने माइनस साइन मिस किया है। ठीक है, अगर मिस किया है तो उसको करेक्ट करो, फटाक से करो। ठीक है, फिर से क्या करना है हमको, इन दोनों को ऐड कर देना है, ऐड करके यहाँ पर लिख देना, जो भी आएगा वही आंसर है, कोई कन्फ्यूजन। अब सॉल्व करते रहना, ठीक है, इतना तो कर सकते हो ना। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का सॉल्व हो गई बात है? अच्छा, दो केस बन गए, एक केस जब पूरे बड़े वाले वायर के भी बाहर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करवाया, दूसरा जब इस बड़े वाले वायर के तो अंदर है लेकिन कैविटी के बाहर है। तीसरा केस क्या बनेगा? जब कैविटी के भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कराएंगे। यहाँ कैलकुलेट हो गया, यहाँ कैलकुलेट हो गया, बचा कहाँ? कैविटी के जस्ट इनसाइड। तो अब अगला हमारे पास एग्जांपल क्या बन सकता है? जस्ट इनसाइड द कैविटी, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इनसाइड द कैविटी, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इनसाइड द कैविटी, जस्ट इनसाइड द कैविटी। तो तीसरी वैरायटी इसमें क्या बन सकती है? देखो ध्यान से, अभी उन्होंने जो देखो ये हमारे पास क्या है, बड़ा सा वायर। ठीक है, आप सोच रहे हो कि दोनों मोटा वायर कब से होने लगा, ठीक है मैक्सिमम मोटे, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, जूम करके देख रहे हैं, क्या करके देख रहे हैं, जूम करके देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास वायर और ये हमारे पास कैविटी। ठीक है, जनरलाइज करने के लिए यहाँ पर हम काम करते हैं थोड़ा सा, जनरलाइज करने के लिए मतलब यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक डाटा नहीं, हम कुछ जनरल डाटा मान के चलते हैं। मान लो यहाँ पे इसकी रेडियस है दैट इज आर वन, और जो इसकी रेडियस है दैट इज आर टू। ठीक है, जनरल रिजल्ट लेके चल रहे हैं। ठीक, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज एल मान लो। ठीक, और करंट डेंसिटी जी। ठीक, अंदर हमें किसी मान लो इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक, चलो अंदर की बातें सबको मत बताना, ओके गाइस नहीं बताएंगे जो आ गया। ठीक, देखो करते कैसे, अगर वो ध्यान से देखो तो हमें इस पॉइंट पर मान लो ये जो रेडियस वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक का दैट इज आर वन, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस वेक्टर है दैट इज आर टू। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करके देता हूँ, दिस इज आर वन वैक्टर, दिस इज आर टू वैक्टर, दिस इज थीटा वन मान लो, दिस इज थीटा टू मान लो, और मान लो जो हाइट है दैट इज एच, और इनके बीच की डिस्टेंस है दैट इज एल। ठीक, अब मैंने आपको बताया किसी भी वायर के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन करते हैं तो हमें कैलकुलेशन में फॉर्मूलों का तो ठीक है बेसिक इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्शन किस तरह से निकालते हैं?
डायरेक्शन जो होता है वो हमारा राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड इस तरह से होता है। किस तरह से निकालते हैं, जिस तरफ करंट जा रही है उस तरफ को हम अपना अंगूठा कर देते हैं और इस तरह से उंगलियों को कर्ल करते हैं, इस तरह से उंगलियों को कर्ल करते हैं, तो जो हमारे पास इस तरह से बेसिकली सर्कुलर तरह की हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आती लाइन्स। ठीक है, अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की जो प्रॉपर्टीज है उन पर हम लोगों ने बात नहीं करी, वो उसको भी हम लोग जल्दी ही कर लेंगे। ठीक है, ओके तो ध्यान से देखो, तो अगर इसकी बड़े वाली वायर की वजह से देखा जाए जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो अंगूठा हम अंदर की तरफ प्लेस करेंगे और इस तरह से करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, इस तरह को, यानी यहाँ पर, इसको हम तीसरे फिगर में बना के दिखा रहे हैं। देखो इस पॉइंट पर इस तरह से था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इसके अभी ये वाली लाइंस नहीं दिखा रहे, ठीक है, यहाँ इस तरह से ज्वाइन है। ठीक है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर आएगा। चलो बना देते हैं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, सोचोगे कौन सी लाइन कौन सी, इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर पासे परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर का मर्डर हो गया और वो देखिए, चलो छोड़ो, जान गए हो गए, समझने वाले समझ गए और जो ना समझे ओके ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास, ये था R2। तो अब R2 के लिए क्या है, R2 के लिए करंट तो चूंकि अंदर है लेकिन करंट डेंसिटी क्या है, माइनस जे, यानी जो डायरेक्शन आएगी उसके अपोजिट, यानी अगर इस तरह से करंट जा रही है तो उसमें इस तरह से आएगा, यानी यहाँ पर इस तरह से, मतलब इधर परपेंडिकुलर इधर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो करंट है वो माइनस जे है, यानी हम जो करेंगे वो इसके परपेंडिकुलर इस तरह से कर देंगे। क्या बात है, क्लियर है? ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स की वैल्यू आ गई, डायरेक्शंस बी वन बी टू। ठीक है, अच्छा बी वन बी टू की वैल्यूज क्या होंगी ये तो हम जान सकते हैं, बिल्कुल सिंपली तरीका, बी वन इज इक्वल टू म्यू नॉट जे आर वन वेक्टर बाई टू, म्यू नॉट जे आर बाई टू होता है ना, और बी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी टू की वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू नॉट जे आर टू बाई टू। ठीक, ये दूरी हमारे पास, सॉरी ये एंगल में माना था थीटा वन, ये एंगल माना था थीटा टू। ठीक है, ये परपेंडिकुलर था हमारे पास, ठीक ये परपेंडिकुलर था, दिख नहीं रहा है, चलो इसे दिखाते हैं, अब दिख रहा है। ठीक, बहुत ध्यान से अगर तुम देखो, बहुत ध्यान से अगर तुम देखो तो ये थीटा वन है, ये 90 है, ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा वन, तो ये फिर से आ जाएगा हमारे पास थीटा वन। क्या बात है, क्लियर है? सिमिलरली ये थीटा टू है तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, थीटा टू आएगा। ठीक, अब देखना फिर से एक फिगर और बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, इधर हमारे पास B2 है और इधर हमारे पास B1 है और ये हमारे पास थीटा 2 है और ये हमारे पास थीटा 1 है। B1 की इधर डायरेक्शन क्या आएगी हमारे पास, इधर कंपोनेंट क्या आएगा, B1 वन साइन थीटा 1 और इधर आएगा B1 वन कॉस थीटा 1। सिमिलरली B2 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, B2 टू कॉस सॉरी साइन थीटा 2 और इधर कंपोनेंट क्या आएगा, B2 cos थीटा 2। ठीक, कोई समस्या, पक्का? अच्छा ओके। अब जनरली बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि ये बी टू साइन थीटा 2 है, ये B1 वन साइन थीटा 2, इसको मार दो। एक्चुअल में यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन करके देखेंगे ये दोनों बराबर आएंगे और कट जाएंगे, लेकिन आप डायरेक्टली अगर दोनों अपोजिट हो तो दोनों को सीधे सीधे काटने, क्योंकि आपको क्या पता है कि बी वन बी टू की वैल्यू बराबर है, सॉरी बी वन साइन थीटा वन और बी टू साइन थीटा टू की वैल्यू बराबर है। देखो एक्चुअल में कैसे करेंगे इसको, बी वन साइन थीटा वन, बी वन साइन थीटा वन, इसमें हम साइन थीटा वन लगाएंगे तो क्या जाएगा, म्यू नॉट जे आर वन साइन थीटा वन बाई टू। ठीक, और इसमें हम साइन थीटा टू लगाएंगे क्या जाएगा, म्यू नॉट जे आर टू साइन थीटा टू बाई टू। ठीक, ये आ गया। अब ध्यान देखो, आर वन साइन थीटा वन, आर वन साइन थीटा वन, आर वन साइन थीटा वन की वैल्यू क्या, ये आएगी, यही आर वन साइन थीटा वन है, और आर टू साइन थीटा टू उसकी वैल्यू भी यही आएगी। तो दोनों किसके बराबर है, आर वन साइन थीटा वन और आर टू साइन थीटा टू दोनों किसके बराबर है, एच के बराबर, दोनों क्या होंगे हमारे पास, कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल हुए, रीजन समझ आया, और जुड़ेंगे कौन से, बी वन साइन थीटा, बी वन कॉस थीटा वन प्लस बी वन कॉस थीटा टू, तो बी नेट जो आएगा, बी नेट जो आएगा वो आएगा बी वन कॉस थीटा वन प्लस बी टू कॉस थीटा टू। ठीक है, वैल्यूज रख दो, क्या जाएगा, म्यू नॉट, आप यहाँ पे माइनस साइन मत लगाओ, माइनस साइन मत लगाओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो आपका आर टू और जे आपस में बैलेंस कर लेंगे,
ठीक है, मतलब बैलेंस नहीं कर लेंगे, मतलब जब हम बाद में इनकी वैल्यूज रखेंगे चलो तब आप माइनस साइन रख देंगे, ठीक है, म्यू नॉट जे बाई टू आर वन कॉस थीटा वन, ठीक है, आर वन कॉस थीटा वन, और इधर क्या आ जाएगा प्लस म्यू नॉट जे बाई टू आर टू कॉस थीटा टू। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, लगा लो इसे, लगा लो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आर वन कॉस थीटा वन, आर वन कॉस थीटा वन क्या ये है, ये आर वन कॉस थीटा वन है, ठीक है, और आर टू कॉस थीटा टू ये है, ध्यान समझ रहा, ये आ गया हमारे पास आर वन कॉस थीटा वन और ये आ गया हमारे पास आर टू कॉस थीटा टू, ठीक, बात बहुत ध्यान समझना, म्यू नॉट जे बाई टू कॉमन है उसको भूल जाओ, ठीक है, ओके, म्यू नॉट सॉरी आर वन कॉस थीटा वन प्लस आर वन कॉस माइनस आर वन कॉस थीटा टू, ठीक है। अब चूंकि इसको माइनस करना है, यहाँ पे एक माइनस साइन है, तो इसको आप अपोजिट कर दो, इसको आप अपोजिट कर दो इस तरह से, ये क्या हो गया हमारे पास माइनस आर टू कॉस थीटा टू, ये क्या हमारे पास माइनस आर टू कॉस थीटा टू, और अब आप इसको दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो तो क्या वो टोटल एल के बराबर आ रहा है, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो टोटल किसके बराबर आ रहा है, एल के बराबर, ध्यान से देखो रख दो यहाँ पे वैल्यू, तो बी नेट क्या आ गया यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, इसको हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, बी नेट क्या आ गया, बी टोटल क्या आ गया मेरे पास, म्यू नॉट जे बाई टू, इसको आप ये एल वेक्टर है ना एक इस तरह डायरेक्शन में, ठीक है, म्यू नॉट जे बाई टू इंटू आर वन कॉस थीटा वन माइनस आर वन कॉस थीटा टू क्या आ गया मेरे पास वेक्टर एल, वेक्टर एल, ये होता है कैविटी के भी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, इसको याद, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये काफी, इसको निकालने में आप देख रहे हो थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन फिर भी क्या बात समझ आई है नहीं आई है, अरे बोलो भाई, आई नहीं आई मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फटाक से, यू नॉट जे एल बाई टू। अब रिजल्ट को ध्यान से देखो और ये अनुमान लगाओ कि क्या क्या हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो रिजल्ट आया है ये R1 R2 के इंडिपेंडेंट है, ये L पर डिपेंड कर रहा है, L का मतलब क्या है, उनके जो सेंटर्स हैं, जो कैविटी का सेंटर है और जो सॉलिड वायर का हमारे पास सेंटर है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड क्या है। इसका मतलब क्या है कि आप कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड यही आएगा, इसको कभी कभी पूछ लिया जाता है इस तरह से डायरेक्टली, क्या बात समझ आ रही है, कैविटी के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, बातें क्लियर है, पूरी जगह पे कांस्टेंट रहेगा, डिपेंड किस पे कर रहा है, ध्यान रखना डिपेंड किस पे कर रहा है, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड किस पे कर रहा है, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, याद रखना, याद रखना, याद रखना है, एकदम कंठस्थ होना चाहिए, बातें क्लियर है, ठीक है। तो ये बात हमने करी कैविटी के, हमने तीन वैरायटी देखी, तीन वैरायटी से सवाल पूछे जा सकते हैं, एक पूरा आउटसाइड हो, एक बड़े वाले के तो इनसाइड है लेकिन कैविटी के आउटसाइड है, और तीसरी वैरायटी क्या है, जब कैविटी के भी इनसाइड है, क्या तीनों वैरायटी आपको समझ आएंगे, बस यही सवाल पूछे जा सकते हैं, कहां से बनाओगे, बना लो, तीनों वैरायटी अपन सीख चुके, ठीक है, उतारो फटाक से। तो अब आई होप आपको कैविटी प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग जाने से पहले एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि अगर कोई मान लो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, क्यू चार्ज पार्टिकल है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो वहां पर हम उस पर लगने वाली फोर्स कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स ऑन अ मूविंग, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, क्या चीज, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा भाई, मान ले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह का है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, ठीक है, ओके। अब कोई चार्ज पार्टिकल है जिसको मैंने इस तरह से छोड़ा, जिसको मैंने इस तरह से छोड़ दिया, ठीक है, मान लो इस तरह से मैंने छोड़ दिया, हल्की सी वेलोसिटी दी और छोड़ दिया। अब ध्यान से एक कि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है वो इस तरफ जा रहा है, तो हमें इस पर लगने वाले फोर्स की कैलकुलेशन करनी है,
ठीक है, उस फोर्स को निकालने का जो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है, इसमें हम किस तरह से फोर्स निकालेंगे, मान लो ये चार्ज पार्टिकल क्यू है, ये वी वेलोसिटी से जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स को हम किस तरह से लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू जो उसका चार्ज है इंटू वी क्रॉस बी, इंटू वी क्रॉस बी, दिस विल बी द फोर्स बिटवीन, सॉरी दिस विल बी द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। बात क्लियर है, यानी चार्ज क्यू अगर इस तरफ को जा रहा है, इसका मतलब ये है वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमने ये पहला केस लिया हुआ है कि चार्ज पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थ्रो किया, ऐसा हल्का से टुक से किया, वेलोसिटी इस तरफ, अच्छा वी क्रॉस भी करो, वी इस तरफ है बी इस तरफ है, वी क्रॉस भी करोगे होगा ही नहीं, जीरो आ जाएगा, यानी इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस वाले चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लग जाएगा जीरो, और जब फोर्स जीरो लग जाएगा तो जिस तरफ को हमने भेजा है, जिस वेलोसिटी से हमने भेजा है, उसी वेलोसिटी से लगातार चलता रहेगा, कोई भी इस पे परिवर्तन नहीं आएगा, कोई परिवर्तन इस पे नहीं आएगा, यानी इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो, एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। पाथ क्या होगा, पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, पाथ क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन, ओके ये बात तो आपने कर ली, ओके लेकिन सोचो अगर इसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड होती, इसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड होती, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल हम परपेंडिकुलर वेलोसिटी से भेज, मतलब परपेंडिकुलर एंटर कराते हैं, मतलब इस तरह से हमने इस तरह से एंट्री कराई इसकी, ठीक है, अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, चार्ज क्यू है और वेलोसिटी हमने इस तरफ को दी है, अब क्या होगा, देखो ध्यान से इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे किस तरह से दिखेगा, किस तरह से दिखेगा, ध्यान से देखो, मान लो यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है, या ऊपर से देख लो या चार नीचे से देख लो, कहीं से भी देख लो, ठीक है, मान लो हम इधर से खड़े होकर देख रहे हैं, यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो हमें क्रॉस सेक्शनल व्यू किस तरह से दिखेगा, समझ आ रहा है क्या बना रहा है, ये सब गलत नहीं है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यहाँ से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और चार्ज पार्टिकल इस तरह से एंटर किया, जब चार्ज पार्टिकल इस तरह से एंटर किया, ध्यान देखो तो वी इधर है और बी अंदर की तरफ है, बी किधर है, अंदर की तरफ, और वी किधर है, ऊपर की तरफ, वी ऊपर की तरफ है, बी अंदर की तरफ, वी क्रॉस बी करोगे तो क्या आएगा, वी क्रॉस बी करोगे क्या, फोर्स की डायरेक्शन इधर आएगी, यानी ये जो होगा इधर की तरफ डेविएट होने लगेगा, ठीक है, फिर से देखो, अब मान लो चार्ज पार्टिकल इधर पहुंच गया, ठीक है, अब इस तरह से घूमा, इस तरह पहुंच गया, अब वी इधर है, बी अंदर की तरफ, तो वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी करोगे क्या आएगा, फोर्स नीचे की तरफ, यानी फिर से घूम जाएगा, फिर से ये घूम जाएगा इस तरफ को आ गया, अब ये नीचे घूम गया, यहाँ पर नीचे मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस तरह से अब ये इधर को घूम गया, अब V इधर है, B अंदर की तरफ, V क्रॉस B, V इधर है, B अंदर की तरफ, V क्रॉस B, फोर्स इधर लगेगा, इधर की तरफ, यानी फिर से घूम जाएगा, फिर से घूम जाएगा इस तरफ, और इस तरह से ही वापस उसी पोजीशन पहुंच जाएगा। ध्यान से देखो पाथ किस तरह का बना, सर्कुलर 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 सर्कुलर, ठीक है, इसका पाथ क्या बना, सर्कुलर, यानी अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री मारता है तो उसका पाथ सर्कुलर आता है, और उस पर जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज ओनली द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जो फोर्स लगातार इस पर जो फोर्स एक्ट करता है दैट इज द मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी हो जाता है, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 90 होती है, थीटा की वैल्यू 90 होती है, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो जाती है, ठीक है, फोर्स क्या होता है क्यू वी बी, और जो ये फोर्स होता है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराता है जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन करता है, क्या मेरी बातें क्लियर है, क्या कोई डाउट है, पक्का 100% तक लिया, ठीक है, हो गया यहाँ तक, क्या बात समझ आई, मोटी मोटी बात है ये, हमने शुरुआत करी है कि किस तरह से एक चार्ज पार्टिकल पे हम स्टडी शुरू करते हैं अपनी, मतलब अभी इस पे हम बहुत सारी पीएचडी करनी बाकी है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, मान लो इस तरह से देखो ध्यान से किस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं, मान लो देखो, मान लो हमारे पास एक इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल कर ही लेते हैं, इस तरह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था, मतलब ठीक है, मतलब इस बाउंड्री के इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ नहीं है, और यहाँ पे हमने एक चार्ज पार्टिकल को इस तरह से एंटर कराया, ठीक है, यहाँ से थीटा एंगल बनाता हुआ, यहाँ से थीटा एंगल बनाता हुआ हमने इसको एंटर कराया, ठीक है, जाहिर सी बात है इसमें फोर्स किधर लगेगा, ये ऐसे गया है तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, यानी इस तरफ ऐसे घूमेगा और ऐसे थोड़ा सा सर्कुलर आर्क बनाते हुए इस तरह से बाहर निकलेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, सर्कुलर पाथ लेगा और इस तरह से भाग, क्योंकि आप इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो बाहर निकल भाग जाएगा, ठीक है, आपसे बोला गया कि बताओ कितनी देर तक
बताओ कितनी देर तक ये अंदर रहेगा, अगर हमने इसको वी वेलोसिटी से फेंका बी मैग्नेटिक फील्ड में, कितनी देर तक अंदर रहेगा, टाइम इन विच इट कम्स आउट, कितनी देर में ये बाहर निकल आएगा। बातें क्लियर है? अच्छा ओके, तो इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखो, जब भी हमें मान लो हमसे बोला गया कि ये एंगुलर वेलोसिटी की ओमेगा थी, तो ओमेगा क्या होता है, 2π/T, 2π/T, ठीक है, या ओमेगा टी हम क्या लिख सकते हैं, 2π, ओमेगा टी हम क्या लिख सकते हैं, 2π, ओमेगा में हम टी का यानी जो भी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है उसमें गिवन टाइम का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो टोटल हमारे पास चक्कर, भाई यहाँ पे क्या होता है, जब टोटल चक्कर लगाता है, टोटल चक्कर लगाता है तो यहाँ पे 2π एंगल कवर करता है, ठीक है, और टोटल टाइम जो लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, यानी अगर 2π एंगल कवर कर रहा है तो टी टाइम लग रहा है, तो अगर इतना एंगल कवर करेगा तो कितना टाइम लगेगा, सिंपल इक्वेशन समझ आ गई, कि अगर यहाँ पे एंगल कितना होगा, देखो ध्यान से, मान लो ये इसका सर्कल का सेंटर था, ठीक है, जिसको हम ये मान के सर्कल कर रहा है, ठीक है, तो ये सॉरी ये, ठीक है, ध्यान से देख, तो ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा सिमिलरली, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस पार्टिकल ने टोटल कितना एंगल एंगल कवर किया है, दोनों को जोड़ दो, यानी π-2θ, π-2θ, 2π एंगल कवर करने में अगर टी टाइम लगता है तो इतना एंगल कवर करने में कितना टाइम लेगा, ये उसी तरह का सवाल है जिस तरह से हम लोग कहते थे कि राम को 4 सेब अगर 10 रुपए में मिल रहे हैं तो बताओ 10 सेब कितने रुपए में मिलेंगे, क्या सेम सवाल बन गया, बिल्कुल बन गया, यानी अगर 2π एंगल कवर करने में ओमेगा टी टाइम लग रहा है तो इसको कवर करने में क्या लग जाएगा, ओमेगा इंटू स्मॉल टी टाइम जो कि हमें निकालना है, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू टू ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, मेरे पास किस तरह से निकालेंगे इसको, मान लो इसकी जो रेडियस है, रेडियस हमने मान ली, वैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी चाहिए थी, इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, यहाँ पे रेडियस को हम निकाल सकते हैं, रेडियस किस तरह से निकालते हैं, देखो ध्यान से, इस पर जो दोनों फोर्स लग रहे हैं, फोर्स क्या लग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है mv²/r, mv²/r, और अंदर क्या लग रहा है, इस पर अंदर क्या लग रहा है मेरे पास, qvb, mv²/r, और अंदर लग रहा है qvb, जिसको हम सेंट्रीपिटल बोल रहे हैं, मतलब बेसिकली यही इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से v से v मर गया, r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, r की वैल्यू यहाँ से आ गई mv/qb, यानी इतनी रेडियस होती है, इतनी रेडियस होती है। अच्छा ओमेगा क्या होता है, ओमेगा किस तरह से निकालेंगे हम, ओमेगा निकालेंगे हम वी इंटू आर, सॉरी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, वी बाई आर, वी बाई आर, तो वी बाई आर की वैल्यू क्या होती है, एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी, वी ने वी को मार दिया तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू बी बाई एम, क्यू बी बाई एम, ठीक है, कहाँ पर थे, यहाँ पर थे, ओमेगा की वैल्यू हो गई क्यू बी बाई एम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, π-2θ बाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, क्यू बी बाई एम, पुट कर दो, यही आंसर है, यही आंसर है, ठीक है, लेट मी चेक आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है, विजिबल है ना, ये क्यू बी बाई एम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है π-2θ बाई ओमेगा, मतलब क्या है, अगर 2π एंगल कवर करने में कैपिटल टी टाइम लगा है तो इतना एंगल कवर करने में मान लिया हमने स्मॉल टी टाइम लगा, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से निकाल ली, मतलब बेसिकली यहाँ पे हमने दोनों फोर्सेस को बैलेंस किया, जिस तरह से मैंने बोला ना कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहाँ से मिल रहा है, क्यू वी वी से, तो उसको हमने इक्वल करा दिया, उसको हमने इक्वल करा दिया, वहाँ से रेडियस की वैल्यू निकाल ली, रेडियस की वैल्यू निकाल ली तो वहाँ से ओमेगा की निकाल सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर होता है, आर की वैल्यू यहाँ पर रखी, ओमेगा की वैल्यू आ गई, और इस इक्वेशन में हमने ओमेगा की जगह पर ये रख दिया, एंगल जितना कवर कर रहा है वो रख दिया, टी की वैल्यू निकाला, कितने टाइम में वो बाहर आ जाएगा, बात है क्लियर, इसी पे थोड़ी सी और पीएचडी करेंगे हम लोग अगली क्लास में, ठीक है, फिर हमने इसमें हम लोग इसमें धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड घुसा देंगे, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों दिया गया तब क्या हो सकता है एक्चुअल में, ठीक है, यहाँ पे हमने आज दो केस डिस्कस किए, एक क्या है जब इसके हम पैरेलल एंटर कराते हैं, और दूसरा क्या हमने जो परपेंडिकुलर एंट्री कराई, क्या तीसरा केस ऐसा नहीं हो सकता जब इसको थीटा एंगल पर एंट्री करा दें, इस तरह से यहाँ से चार्ज पार्टिकल इस तरह से एंट्री करा थीटा एंगल पर, आप सोचना इसके बारे में यहाँ पर क्या केस बन सकता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सोचोगे और सोच के लाओगे, अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि अगर थीटा एंगल पे कोई पार्टिकल एंट्री कर रहा है तो उसका पाथ किस तरह का होगा, क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज बन सकती है, उस पर हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्या मेरी बातें क्लियर है, चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।